गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको 12th क्लास की समकालीन राजनीति विज्ञान की समकालीन विश्व विज्ञान की बुक पढ़ा रही हूँ। इसमें हम वर्ल्ड की बुक है ये, इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे आज, अध्याय एक पढ़ेंगे, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध जो हुआ था वो 1945 से 1991 के बीच में हुआ था। पहले सबसे पहले हम शीत युद्ध का अर्थ जान लेते हैं। शीत का अर्थ होता है एक ठंडा युद्ध। शीत युद्ध का अर्थ होता है, साधारण भाषा में अगर बोला जाए तो, ठंडा युद्ध। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें बिना किसी खून खराबे के, बिना हिंसक कार्यवाही के युद्ध होता है और उसमें भय तनाव जैसा वातावरण बना रहता है। हर पल ऐसा प्रतीत होता है कि अब युद्ध होगा, परंतु किसी कारणवश युद्ध टल जाता है। और इस युद्ध में जो सबसे पहले सेकंड वर्ल्ड वार के बाद दो महाशक्तियां आई, हम आपको पहले सेकंड वर्ल्ड वार में दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ। इस चैप्टर में हम अमेरिका और सोवियत संघ के बारे में पढ़ेंगे। इसकी मुझे जानकारी दे दूं, सेकंड वर्ल्ड वार आपका, सेकंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 से 45 तक के। उसके उपरांत शीत युद्ध का दौर कब शुरू हुआ? 1945 से 1991 तक के। अब जो सेकंड वर्ल्ड वार जो हुआ था हमारा, उसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र आपस में टकराए थे। ये दोनों राष्ट्रों के बीच में सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन सबसे पहले शामिल हुए। उसके बाद धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली। जर्मनी ने, अब ये प्रश्न उठता है कि इनके बीच में युद्ध क्यों हुआ। पहला प्रश्न है आप लोगों के मन में ये उठ रहा होगा कि युद्ध क्यों हुआ। इन दोनों मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र में गए युद्ध होने के पश्चात ही 1941 में अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियां उभर के आई। हम ये बता सकते हैं कि पहले फ्रांस के एक नगर, फ्रांस का एक